Home food is good. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम फूड इज गुड। आज हम सिंघाड़े के आटे से हम स्वादिष्ट कढ़ी और चावल बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच सिंघाड़े का आटा और मैंने यहाँ पे 1/2 किलो दही लिया है। उसके अंदर मैंने अच्छे से डाल के उसे फेंट लिया है। इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च और गरम मसाला डाला है। अगर आप हल्दी यूज़ करते हैं तो इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, अगर नहीं यूज़ करते तो अवॉइड करिए। तो मैं हल्दी नहीं खाती तो मैंने नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है तेल। तेल लेके इसके अंदर मैं लगा दूँगी जीरे का छोंक लगा दूँगी और फिर उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कढ़ी को हमेशा हींग का छोंक लगाना चाहिए क्योंकि वो वाइबादी नहीं करती। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है अदरक। मैंने 1 इंच अदरक लिया था, उसके बारीक पीसेस करके डाल दिए हैं और 2 हरी मिर्चें कट करके मैंने इसके अंदर डाल दिया है। फिर उसके बाद जो मैंने बैटर बनाया था वो मैंने डाल दिया है कढ़ी का। मात्र इसको बनाने में, प्रोसीजर में सिर्फ आपके जाएंगे 20-25 मिनट में आपके कढ़ी चावल बन के हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। तो जितनी देर में कढ़ी बन रही है सिम गैस पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 छोटे बॉयल्ड आलू, उसके अंदर गरम मसाला, लाल मिर्च डाली है। अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, हम लाल मिर्च खाते हैं तो मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अराउंड 1 करछी, छोटी वाली करछी सर्विंग स्पून डाल दिया मैंने सिंघाड़े का आटा, और यहाँ पे थोड़ा सा डाल दिया मैंने धनिए के पत्ते, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसके हम बना लेंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ भी लेंगे, थोड़ा पानी का हाथ लेके इसके पकोड़े बनाएंगे हम। पकोड़े बनाने के लिए कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। हम यूज़ करते हैं यहाँ पे अपना नॉर्मल रिफाइंड घी, हम या फिर घी में तल लेते हैं, हम लोग सरसों नहीं खाते। तो मे बी आप लोगों के घर में खाते होंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो बस पकोड़े हम धीरे धीरे करके फ्राई कर लेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर अच्छा, ये रेसिपी पकोड़ों की ऐसी है, अगर आप वैसे भी बना के खाएंगे ना इसको पुदीने की चटनी के साथ या धनिया की चटनी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बहुत कुरकुरे बनते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तो बस ये बन रही के तैयार है हमारे पकोड़े, और उतनी देर में हमारी कढ़ी भी तैयार है। तो थोड़ा सा मैंने क्या लिया था, दूध में केसर भिगो के रख दिया था, क्योंकि जो कि हम लोग हल्दी नहीं खाते तो इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छा येलो कलर आ जाता है, क्योंकि कढ़ी होती है येलो कलर की, तो इससे बहुत अच्छा कलर आ सकता है। अगर आप केसर नहीं डालना चाहते तो टोटली स्किप कर सकते हैं, और साथ में धनिया पत्ती डाल के बस हमारी मात्र 15 मिनट पकाने के बाद कढ़ी तैयार है। उसके अंदर अब हम डाल देंगे पकोड़े, बस इसको 2-3 मिनट और पकाएंगे और बिल्कुल हमारी कढ़ी बिल्कुल तैयार है। अब बारी है हमारे चावल की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी चावल, उसको 15 मिनट पानी में भिगो के रख दिया था, भिगो के धो के अच्छे से रख दिया। फिर उसके बाद मैंने ले लिया एक कढ़ाई, उसमें लिया जीरा, जीरे का छोंक लगा दिया मैंने, और फिर उसके बाद इसके अंदर डाल दूँगी मैं एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा अदरक का, अदरक डाल के और 1 हरी मिर्च डाल के हम अच्छे से इसको सॉटे कर लेंगे। बहुत ही कमाल के कढ़ी और चावल बनते हैं, आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा आप नवरात्रि का खाना खा रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। नवरात्रि में भी आपको खाना बहुत स्वाद लगेगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है टिक्की वगैरह हैवी हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं होगा। तो बस इसके अंदर डाल देंगे 1.25 चम्मच नमक का, और नमक डाल के आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1 टमाटर डाल दिया है। टमाटर आपकी टोटली चॉइस है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मुझे टमाटर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये राइस अगर आप वैसे भी विदाउट कढ़ी के भी बना के खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसके अंदर मैं डाल दूँगी 2 कटोरी पानी, क्योंकि मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे तो उसके लिए 2 कटोरी पानी डाल दूँगी इसके अंदर, और फिर उसके बाद इसको अंदर डालेंगे हम अपने राइस, शानदार राइस। बस इसको एक छोटा सा हमने बॉयल आने देना है और फिर उसके बाद हम इसके राइस अंदर डाल देंगे। बॉयल आते सार देख सकते हैं चावल भी हमारे 15 मिनट में अच्छे से फूल चुकी हैं। अब हम अपने चावलों को ट्रांसफ़र कर देंगे उसमें जो हमने एक बैटर बना के रखा था, सारे हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करके अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में हम लोग करछी चलाते रहेंगे।
बीच बीच में करछी चलाने के बाद हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया पत्ते से, और हमारे शानदार 5-7 मिनट में चावल बनके हैं बिल्कुल तैयार, और खाने वाले भी हैं तैयार। अगर आप इसको ऐसे भी खाएंगे दही के साथ, आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। तो ये है मेरी बिल्कुल थाली बनके तैयार, साथ में है खरबूजा, है कड़ी, है राइस, बहुत ही स्पेशल एंड टेस्टी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियोज़। तब तक के लिए बाय बाय।